हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी 365 चैनल। तो आज हम लोग एपीएससी मेंस के ऑप्शनल कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिन लोगों जिस सब्जेक्ट्स पे ग्रेजुएशन करते हैं, मान लो बीएससी विद फिजिक्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करते हैं, वो अपना उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में ले लेते हैं। लेकिन वैसा करने से मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती है, आसानी नहीं होता। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए आसान होगा। हर एक स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। हम लोग इसको तीन स्टेप में, जो आपके लिए बेस्ट होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एपीएससी मेंस के लिए कौन सा बेस्ट बुक्स है जो आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक चीज को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से वो सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। तो वीडियो को हर एक पार्ट को पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, तभी आप अपने डिसीजन ठीक से ले पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग को जैसे कि पता ही होगा कि जो मेंस में चार सब्जेक्ट होता है, एक होता है जीएस, एक होता है इंग्लिश और दो रहता है ऑप्शनल। तो आप इसी 29 सब्जेक्ट्स में किसी भी दो सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं होगा। जो कि कोई अगर एंथ्रोपोलॉजी लेता है तो सोशियोलॉजी भी नहीं ले सकता, मैथमेटिक्स के साथ स्टेटिस्टिक्स नहीं ले सकता, फिलोसॉफी के साथ साइकोलॉजी नहीं होगा, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री नहीं होगा और इंजीनियरिंग का दो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आपको पता है कि जीएस जो कि कॉमन है और इंग्लिश, ये दोनों कॉमन होता है, और बाकी दो पेपर सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शनल। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पार्ट वन वीडियो में जीएस और इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन से एरिया से कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, हम लोगों ने पहले वीडियो में पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक दे दूंगा ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, तो आप पार्ट वन भी आप देख पाएंगे। तो हम लोग को पहले यह समझना होगा जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर में जियोग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जीएस में आता है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग, मैं जीएस का बात क्यों बोल रहा हूँ ऑप्शनल में, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये बाद में आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए कि जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये 2016 का है, 30%, 16% और 21%। अगर हम लोग नेक्स्ट 2015 में देखते हैं तो यहाँ पर भी इकोनॉमी 32%, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इससे ही जीएस का पेपर बनता है। 2014 में भी ऐसा ही कुछ सेम ही था। तो अगर हम देखेंगे तो क्या करना है, जो तीन स्टेप्स है इसको समझना है। अभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अवॉइड कीजिए। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को क्यों अवॉइड कीजिए, क्योंकि मान लीजिए जो आपका जो पेपर होता है, अगर कुछ टेक्निकल होता है तो अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर किसी आपको फॉर्मूला नहीं आता है, कोई रिएक्शन नहीं आता, केमिकल इक्वेशन नहीं आता है, तो आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लिटरेचर सब्जेक्ट होता है, अगर आपको उसके बारे में कुछ आइडिया होता है तो आप उसको आंसर तो कर पाएंगे, अच्छा हो या मॉडरेट हो, आप कुछ तो लिख के आ पाएंगे। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये नहीं होता है, कोर्स काफी वास्ट होता है एपीएससी के लिए, तो इस पे जब टेक्निकल लेने से मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, अगर आपको सब आता है फिर अवॉइड करना अच्छा होता है, क्योंकि आपको जो प्रेशर होता है, क्योंकि आपको चार सब्जेक्ट ऐसे भी कवर करना है, जनरल स्टडीज, इंग्लिश और दो ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इसीलिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना अच्छा होता है। और दूसरा जो रीजन है वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स क्यों नहीं लेना चाहिए। फिर आपको जो सिलेबस है, आपको जो मतलब आप मान लो आपको कॉमर्स लेना है, आपने मन बना लिया आपको कॉमर्स लेना है, लेकिन आप कॉमर्स लेने से पहले आप उसका सिलेबस चेक कीजिए। सिलेबस में अगर आप जाके देखते हैं तो अगर आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ के आए हैं वो सिलेबस सेम नहीं होता है, आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जो कि आपने नहीं पढ़ा। शायद आपने मास्टर्स भी कर लिया लेकिन वो सब्जेक्ट आपने कवर ही नहीं किया, तो उसके लिए आपको अलग से फिर से पढ़ना होगा। तो इसलिए आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है उसका पहले आप सिलेबस देखिए कि आप लोग को उस सिलेबस में कितना पता है या कितना नहीं पता है। अगर कितना नहीं पता है तो उसको कैसे कवर अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक फैक्टर रहता है। तो आप अपना सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानिए, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानिए, तो उसको आपको काफी मदद मिलेगा।
और जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, देखिए हम लोग सजेस्ट क्या करते हैं, अगर हम लोग ने जैसे कि पहले देखा है, अगर मान लो ऑप्शनल में मैंने पॉलिटिकल और हिस्ट्री ले लिया तो क्या होगा, मैंने पॉलिटिकल के लिए तो एक पॉलिटिकल ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, और हिस्ट्री अगर मैंने लिया है तो हिस्ट्री भी पढ़ लिया होगा, तो इससे क्या होता है मेरा जनरल स्टडीज का 2 पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ा है कि मेरे को ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ गया। अगर हम लोग ने पॉलिटी ले लिया और हिस्ट्री ले लिया, ये 2 मेरा ऑप्शनल हो गया, और ये मैंने जीएस का पार्ट भी कवर कर लिया, क्योंकि अगर पॉलिटी और हिस्ट्री कुछ तो डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे लेकिन जो सिलेबस है वो तो आपको हिस्ट्री क्या है वो सेम ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप लोग इसी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट मतलब चूज करते हैं तो इससे आपका प्रेशर कम जाता है, आपने पॉलिटी ले लिया आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो उससे क्या होता है आपका जनरल स्टडीज का ये पॉलिटी पोर्शन भी पढ़ना हो गया और हिस्ट्री लिया तो दोनों हो गया। लेकिन जनरली पॉलिटिकल साइंस फिर एडुकेशन ये सब जो सब्जेक्ट्स है जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स है उसमें स्कोर करना आसान होता है क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो काफी कम होता है, लेकिन आप अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में बोलते हैं तो उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले आप लोग सिलेबस चेक कीजिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अवॉइड कीजिए, और पॉलिटिकल एडुकेशन हिस्ट्री ज्योग्राफी इसी सब्जेक्ट्स में आप रहने का कोशिश कीजिए ताकि आपको डबल मेहनत ना करना पड़े, एक बार मेहनत से 2 काम हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए है तो, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग एपीएससी के लिए और वीडियोस लाते रहेंगे, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग ला लेके आते रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एपीएससी के लिए जो बेस्ट बुक्स कौन से होते हैं। जनरल नॉलेज के लिए अगर आप लोग करंट अफेयर्स के लिए तो मनोरमा यार बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के लिए। फिर लुसेंट जीके आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों हम लोग मैं मेंस के लिए बोल रहा हूँ, ये जनरली तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये पढ़ने से क्या होता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो ये अगर आप लोग डायरेक्ट हिस्ट्री का जो ये सब बुक लेके पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहले ये लुसेंट से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको लुसेंट प्रीलिम्स क्लियर क्या होता है शायद आपने लुसेंट पढ़ ही लिया होगा, तो उससे क्या होगा आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, तो उसके बाद आप लोग डीप स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी जितने भी बुक्स है उसका सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। क्यों लिंक दे के दिया है, क्योंकि अगर आप कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि पुराना पुराना मतलब 2017 में नया एडिशन आ गया है वो 2012 का एडिशन परचेज कर लेते हैं, तो हम लोगों ने इसीलिए हर एक बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे के दिया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट परचेज कर पाएंगे। ये अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का मैंने लिंक दे दिया है तो आप वहां से आप लोग बुक परचेज कर पाएंगे। तो आपको पढ़ना है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र पाल का, इंडियन सीन्स इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र पाल का, ये 2 बुक जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री पार्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। फिर लुसेंट जीके तो पढ़ना है, मनोरमा यार बुक भी आपको पढ़ना होगा, और हम लोग और भी बुक्स ऐड करने वाले हैं तो आप बाद में आकर डिस्क्रिप्शन पे आके चेक करते हैं या फिर हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में भी वो अपडेट कर देंगे। फिर आसाम हिस्ट्री के लिए पढ़ना होगा आसाम फ्रॉम यांडाबू टू पार्टीशन प्रियम गोस्वामी, और आसाम जीके हिस्ट्री ऑफ आसाम सर एडवर्ड गेट का। ये जो बुक्स है हम लोगों ने जो लोग ऑलरेडी टॉपर्स है एपीएससी के उस उन लोगों के साथ कंसल्ट करने के बाद या फिर किसी भी सिविल सर्विस में जो लोग जाते हैं वो लोग यही प्रेफर करते हैं, तो ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है और काफी अच्छा है। आप भी आपका फीडबैक दे सकते हैं कि अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं या फिर आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट पे बोल सकते हैं, या फिर और दूसरा कोई सजेशन है तो अभी कमेंट कर सकते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विस रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी संजीव शर्मा, और आपको एपीएससी जीके मेंस का एक क्वेश्चन मिल जाएगा साकिर आलम का, वो भी मैंने लिंक देके दिया है, तो उसपे क्या होगा जीके का जो इतना साल में जो क्वेश्चंस आया है एक ही बुक में मिल जाएगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। फिर इंग्लिश के लिए अगर आपको वोकैबुलरी अच्छा करना है तो वर्ड पावर मेड इजी फॉर वोकैबुलरी,
और रेन एंड मार्टिन फॉर ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। मैं वीडियो नंबर वन का लिंक ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे दे दूंगा, फ्लैश करेगा तो आपको क्लिक करने से वो वीडियो पे आप देख पाएंगे, या फिर वीडियो के एंड पे भी मैं वो लिंक दे दूंगा। अगर कुछ सजेशन है, फीडबैक है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे बोल सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे कुछ अपडेट भी देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।